चीज़ से लिटपिट मूली का परांठा। आपने मूली के परांठे तो बहुत खाए होंगे पर मेरे इस तरीके का कभी नहीं खाया होगा। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन किचन ब्लॉग। आज हम बनाएंगे मूली का परांठा विद चीज़। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, इसमें से पानी को निकाल लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैं इसमें साबुत जीरा और थोड़ा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी काली मिर्ची और ये स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ कटी हुई। मैं लाल मिर्ची नहीं यूज़ करती, हरी मिर्ची के साथ टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। ये हरा धनिया, इस हरे धनिया की फ्रेग्रेंस परांठे में बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इन सभी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैं चीज़ यूज़ करूँगी। चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आटे का पेड़ा ले लिया है, इसके अच्छे से हम लोई बना लेंगे। और मैं ये दो रोटी में बनाऊंगी। ऐसे हमने इसकी दो रोटियां बना लेनी है। मैंने दोनों रोटी तैयार कर ली हैं। अब हम स्टफिंग करना शुरू करते हैं। आप अपने हिसाब से मूली की स्टफिंग कर सकते हो। मैं तो एकदम ढाबा स्टाइल बनाऊंगी, तो पूरी भर भर के मूली डालूंगी। अब हम दूसरी रोटी को तैयार करने के लिए उस पर मैं ये सेचुआन चटनी लगाऊंगी। एक चम्मच की सहायता से हम इस पर चटनी लगा लेंगे। ऐसे अच्छे से थोड़ी लगानी है, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब मैं इस पर चीज़ डालूंगी। ये मैं मूली के ऊपर डालूंगी। ये देखिए, ऐसे हमने बीच में चीज़ डाल देना है। आप देख सकती हो चीज़ डाला हुआ कितना अच्छा लग रहा है। जब पराठा पूरा बनके तैयार होगा तो बहुत ही डिलीशियस बनेगा। आप भी मेरे इस तरीके के साथ ज़रूर ट्राई करना। अब हम इस रोटी को इसके ऊपर रख देंगे।
इस परांठे को थोड़ा फ्लफी फ्लफी बनाने के लिए हम इसको बेलन की सहायता से नहीं बेलेंगे, ऐसे हाथों के साथ इसको फैलाते जाएंगे। उससे क्या है कि हमारा जो चीज़ है दबेगा नहीं और परांठा एकदम फ्लफी फ्लफी बनेगा और बहुत ही यम्मी बनेगा। आप भी मेरे इस तरीके के साथ जरूर बना के देखना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए हमारा परांठा एकदम तैयार है। अब हम इसको सेकते हैं। ये मैंने एक साइड पे तवे को गर्म कर लिया, इस पर थोड़ा सा बटर लगा लेंगे। अब हम इस पर परांठा सेकेंगे। ये देखिए आप देख सकते हो चीज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आया क्योंकि हमने बीच में स्टफिंग करी थी, और बहुत ही बढ़िया बनेगा पराठा। ये देखिए फूलना शुरू हो गया है, ये पूरा फूल फूल के बनेगा। आप भी ऐसे जरूर ट्राई करना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं चीज़ वाला पराठा। अब हम इस पे बटर लगाएंगे। ये देखिए मैं तो बटर पूरा अच्छे से लगाती हूँ, एकदम बटर से लिटपिट, बहुत ही बढ़िया बनता है ऐसे पराठा। आप देख सकते हो कैसे फ्लफी फ्लफी बन रहा है। ये तो देखने में इतना यम्मी लग रहा है, खाने में तो और भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमारा पराठा बन के बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी, बीच में चीज़ एकदम मेल्ट हो चुका होगा और एकदम पिज्जे जैसा बनता है ऐसे पराठा। आप देख सकते हो परांठे की परत कितनी पतली है, और ये देखिए चीज़ कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में पूरा स्वादिष्ट है। अब मैं इसको रायता और मिर्ची के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।